करोगे स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएंगे यहाँ पे ऊंट वगैरह की सवारी की जाती है। तो ये चेक करो, ये रहा एलिफेंट भाई, पोपट हो गया यार गाइस यार, ये दो हिरन जा रहे हैं ना, मैं इन्हीं को दिखा रहा था मम्मा को। ये सनरूफ है, सनरूफ ही है। बार बार ना यार बहन को चक्कर आ जा रहे हैं। कभी भी जीवन में कोई भी दिक्कत आए कभी भी परेशान मत होना, डटकर सादा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे पर कोई। स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है संडे और संडे को अक्सर मैं ना जॉब पे ही रहता हूँ, मंडे को मेरा ऑफ रहता है, बट यार ना संडे है ना, तो मैंने बहुत टाइम पहले मम्मी से ना वादा किया था कि मम्मी अपनी मतलब यहाँ पे है, तो मम्मी से मैंने बोला था कि मम्मी मैं आपको लेके जाऊँगा गिरजा देवी मंदिर रामनगर, यहाँ से मेरा है मतलब अराउंड ऐसे ही है 80-90 किलोमीटर इतना ही होगा। तो मम्मा से मैंने बोल तो दिया था बट भाई टाइम ही नहीं मिल रहा था मेरे को, तो आज मैंने छुट्टी कर लिया। बट अभी वर्कशॉप से बॉस का फोन आया, वो कह रहा है कि राहुल थोड़ा मतलब आ जा आधे घंटे के लिए, तो अभी मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप, एंड वर्कशॉप आने के बाद में, वर्कशॉप से आने के बाद में फिर चलेंगे अपना गिरजा देवी मंदिर, मतलब पहाड़ों पे भाई मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर। ब्लॉग लास्ट तक देखना भाई, मजा नहीं आया तो बोलना, कसम से मजा बुलाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी पहले तो जल्दी से चलते हैं। अभी वर्कशॉप जा रहा हूँ, उसके बाद अभी आ रहा हूँ, फिर चलेंगे ठीक है मम्मी। हाँ वर्कशॉप पहुंच गया हूं, एंड वर्कशॉप की चाबी ये रही, तो फिलहाल मैं आप जल्दी से वर्कशॉप को ओपन करता है। वर्कशॉप पे जो जो काम था मस्त मैंने निपटा लिया, एंड उसके बाद में मैं आ गया रूम पे, एंड फिलहाल मैं अपने उन्होंने बाइक भी लगा लिया और बाइक पे भी थोड़ा सा कपड़ा मार लेता, भाई खड़ी रहती है बाइक, मतलब दीपावली पे ली थी और अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 चली है, मेरी गाड़ी खड़ी ही रहती, कोई नहीं चलाता यार, बस ऐसी खड़ी रहती है। खैर कोई नहीं, तो फिलहाल मैं इस पर जल्दी से कपड़ा मार लेता, एंड अभी हेलमेट अंदर से निकाल के लेके आया, और हेलमेट की हालत चेक करो गाइस क्या हो गया, मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है ना तो पूरा मतलब भाई धूल में भर चुका है ये अंदर से भी, ये देखो अभी इसे साफ करना पड़ेगा, ठीक से क्लीन करना पड़ेगा। गर्मी इतनी हो रही है ना गाइस कि पूरे मतलब पसीने में भीग चुके हैं, और अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है, टीन देखो सिर्फ थोड़ा सा गैपिंग है, मेरा पूरा हाथ लग रहा है टीन पे यार, बहुत गर्मी हो रही है यार, और बाकी टीन वाले रूम है ना तो बहुत दिक्कत होती है। बाकी मम्मा टीका लगा रहे हैं, जब भी आप मतलब राइड वगैरह करो ना और लंबी टूर पे जाओ तो भगवान का आशीर्वाद लेके जाओ और गाड़ी के सामने प्रणाम करो और तभी निकलो, इतनी लंबी राइड पे हैं हम, अराउंड 90 किलोमीटर जाने वाले हैं। गाइस अपनों ने हेलमेट भी एकदम नया कर दिया, बाकी मम्मी अपने ना जैसे गिरजा देवी मंदिर चलना है तो गिरजा देवी मंदिर पहले चलेंगे, उसके बाद ना हनुमान धाम भी चलेंगे ठीक है मम्मी। हाँ तो गाइस मम्मी ने भी ज्यादा दे दिया, पहले गिरजा देवी मंदिर एंड उसके बाद में हनुमान धाम मंदिर। 8 बजे बोला था गाइस जाने के लिए, एंड पता है कितना टाइम हो रहा है, 10:30 बज चुके हैं यार, बहुत टाइम हो गया। सो गाइस हम पता है निकल तो चुके हैं यहाँ गिरजा देवी मंदिर के लिए, बट पता है रास्ता उसका कुछ भी नहीं पता है, काफी टाइम पहले गए थे, वो भी हमारी राइड गई थी, आपने पुराना ब्लॉग शायद आपने देखा होगा तो पता होगा, वैसे कोई आइडिया नहीं है यार कहाँ को जाना है कौन सी रास्ता है, फिर भी निकल पड़े हैं ना भटकते भटकते यार, अराउंड 2-3 घंटे हो गए होंगे, बट यार ना गाइस ना यार रास्ता ही पता नहीं चल रहा कहाँ से, जिससे भी पूछता हूँ वो बोलता है त्राय से मुड़ जाना, कोई बोलता है चौराहे से मुड़ जाना, कोई कह रहा काशीपुर से होते हुए जाना, भाई मतलब दिमाग का दही हो गया, बट कोई नहीं यार लेकिन पहुंच के तो रहेंगे यार, और पता भी नहीं है कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट कोशिश तो फुल करेंगे। सो गाइस यार ना घर से निकले थे गिरजा मंदिर के लिए, बट यार ना गिरजा मंदिर के लिए निकले यार मन तो बहुत था, बहुत टाइम से प्लान बना रहे थे, हमने सोचा कि निकलेंगे वहाँ पे घूमेंगे फैमिली वालों को लेके जाएंगे ठीक है मस्त अभी जा ही रहे थे, बट यार डर है क्या कि लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम आती है, एक एक करके बहुत प्रॉब्लम आती है, अनलिमिटेड प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में ठीक है, एक चीज़ से एक प्रॉब्लम से निकलूंगा फिर दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, प्रॉब्लम आती रहती है। तो जैसे अभी गिरजा देवी मंदिर जा रहे हैं प्रॉब्लम तो हो ही रही है रास्ते में, हमारे घर से 80 किलोमीटर और हमने गाड़ी चला दी होगी कम से कम 100-120 किलोमीटर, और रास्ता था 1 घंटे का बट हमें हो चुके हैं 2 घंटे, और मतलब इतने यार मतलब क्या बताए, इतना पोपट हो रहा है क्या ही बताऊँ यार ठीक है। और बाकी अभी रास्ते में आ ही रहे थे तुरंत, उसके बाद में क्या हुआ बहन भी है ना साथ में, वो एकदम से बेहोश हो गई भाई, एकदम से रास्ते में ये मम्मी पकड़ी हुई थी, अगर मम्मी नहीं पकड़ती तो वो मतलब गिर जाती, और अभी हम देखो मंदिर के सामने रुके हैं, जस्ट मंदिर के सामने, मम्मी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहन को मतलब बैठा दिया वहीं पे, और पता नहीं क्या हो गया एकदम से पूरी बेहोश ही हो गई यार। मेरे को अराउंड ना 10-15 साल हो गए जॉब करते हुए ना, आज तक कुछ भी नहीं कर पाया, और ना ही अभी तक मेरा खुद का घर बन पाया यार, बहुत बुरा लगता है यार गाइस यार जब इतनी मेहनत करो लास्ट में रिजल्ट कुछ और निकले तो। सो फाइनली गाइस अपने रामनगर में पहुंच चुके हैं, तो गाइस ये रहा अपना रामनगर, एंड रामनगर में जैसे ही अब स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएंगे यहाँ पे ऊंट वगैरह की सवारी की जाती है, एलिफेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ों की मतलब सवारी की जाती है, लोग मतलब एक अलग सा ही यहाँ पे आके मतलब फन करते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो
वो भाई देखो किस तरीके से फन कर रहा है उस पे जाल पे चढ़ के, उसे क्या बोलते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, बट उसके साथ उसकी सेफ्टी बेल्ट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है एंड फुल इंजॉय कर रहा है भाई। और इसका भी टिकट भी अच्छा खासा महंगा, इसीलिए हम तो जाएंगे नहीं। और फिलहाल में यहाँ पे चेक करो, ये रहा अपना मतलब रेगिस्तान का किंग, मतलब ऊँट, ये तो मतलब रेगिस्तान में चलता ही रहता है भाई एक बार पानी पीने के बाद में। बाकी आगे चलते हैं, आगे भी बहुत शानदार शानदार जगहें होंगी, वो सब दिखाऊंगा आपको मैं। तो गाइस यार ना अभी गाड़ी गिर गई थी, बहुत हालत ख़राब हो रखी, बहन की उल्टी हो रही है एंड फिलहाल में मैंने बस इतना बोला था कि देखो बराबर में हिरन वगैरह हैं, ये देखो गाइस जो हिरन जा रहे हैं ये देखो वो आगे देखो एक बोरा, तो मैंने बस यही दिखाने के लिए बोला था। तो गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हो गई, इस साइड को गिर गया, ये कहो पीछे गाड़ी नहीं थी यार, पॉपट हो गया यार। गाइस यार ये दो हिरन जा रहे हैं ना, मैं इन्हीं को दिखा रहा था मम्मा को, मैंने कि हिरन देख लो हिरन देख लो। बार बार ना यार बहन को चक्कर आ जा रहा है, मम्मी मतलब मम्मी ने अभी पानी वगैरह पिलाया है तो फिलहाल पता नहीं क्यों हो रहा है। तो फाइनली गाइस गिरजा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं एंड फिलहाल में जैसा कि आप देख सकते हो जो कि प्रवेश द्वार है वो यहीं से है, जैसा कि आप आगे देखिए ये रोड आगे की साइड जा रहा है, जैसा कि ये देखो जहां जहां जा रहा है रानीखेत वगैरह सभी का यहां पे नाम लिखा हुआ है। एंड फिलहाल में जो कि मंदिर है ना वो यार बंद चल रहा है और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था और हम यहां पे चले आए, हो चुका है हमारे साथ में बहुत 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 तगड़ा पोपट यार। मम्मी तो गिरजा देवी मंदिर में तो मतलब ये यहां से बंद कर रखा है, तो चलें वापस पीछे एक ना दर्शन करके। हाँ जो पहले एक मंदिर पड़ा था उस साइड में वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाओ तो चढ़ा देना। नमस्ते आप सबको जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते। और गाइस कभी भी जीवन में कोई भी दिक्कत आए कभी भी परेशान मत होना, डटकर सामना करना। तो गाइस मम्मी बोली एंड फिलहाल में यार दिक्कत हो गई यार इतनी दूर चला और आज गाड़ी मम्मी और आज गाड़ी देखा कितनी एक्स्ट्रा चलानी पड़ गई थी। अब यार गाइस यार कर भी क्या सकते हैं यार, इतना दिक्कत है यार, मम्मी भी इमोशनल हो गई यार, कोई नहीं यार बंद पड़ा है तो कर भी क्या सकते हैं। बाकी अब जल्दी चलते हैं आगे, देखेंगे कोई अच्छी सी जगह वहाँ पे रुकेंगे। सो गाइस ये चेक करो, ये रहा अपना गिरजा देवी मंदिर एंड अपना जो कि मेन मंदिर है वो तो अपने आगे की साइड में है, जैसा कि आप वहाँ पे देखो वो अभी उस जगह को मैं अभी आपको ठीक से दिखा दूंगा। बाकी जब वहाँ पे बंद होता है ऑफ मतलब गेट लगा दिया जाता है वहाँ पर जाने नहीं देते तब यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। तो अभी मम्मा लोग वगैरह वहाँ पे हाथ वगैरह धुल ले हैं एंड उसके बाद में प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे। बस गाइस यार मैं इसी के लिए आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि यार ना लास्ट तक बने रहना, फुल एंटरटेनमेंट आएगा मज़ा आएगा, बट यार ब्लॉग अच्छी जगह बेकार बन गया, रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ हुई थी बहुत दिक्कतें आई थी। खैर कोई नहीं, फिलहाल मैं अपना यही चेक करूँ ये मंदिर एंड मंदिर को यही दिखाना चाहता था गिरजा देवी मंदिर। बाकी अपना आगे है वो देखो अपना मेन मंदिर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जैसा कि ये देखो मेरा फ़ोन इतना ठीक नहीं है बट कोशिश फुल कर रहा हूँ आपको कि ठीक से मैं दिखा पाऊँ, फ़ोन बहुत गंदा चल रहा है। बट यहाँ से चेक करो यार अगर अंदर वहाँ पे जाने को मिल जाता ना गाइस तो मज़ा आ जाता सच्ची में यार। बाकी मैं नीचे की साइड में आया था एंड फिलहाल अपनी बाइक अपनों ने यहाँ पे खड़ी कर दिया, बाकी अभी चलते हैं नीचे की साइड में देखेंगे अगर नहाने का हो रहा होगा तो वहाँ पे नहाऊंगा जाके, क्योंकि यार ना इतनी गर्मी पड़ रही है कड़ाके वाली, इसमें आप भाई ऐसे नदी के पानी में नहाने को मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और हो। बाकी पब्लिक क्या करो कितनी सारी हो रखी है, सभी मस्त इंजॉय कर रहे हैं नहा रहे हैं, बाकी हम भी नहाएंगे नीचे साइड से भी, नीचे सभी लोग आपको दिख रहे होंगे जा रहे हैं मस्त नीचे नहाएंगे। बट मैंने मम्मी से बोला मम्मी इस साइड को चलते हैं ऊपर, उधर देखो पुल है, पुल पर फोटो शूट आउट वगैरह करेंगे और छोटा सा ब्रिज वगैरह बना रखा है, यहाँ से बंदे उस पार जा सकते हैं। वाह यार गाइस यार अब यहाँ से व्यू चेक करो यार, मतलब पुल देखो यार, पुल तो देखो भाई मतलब RCC रोड बिछा रखा है यहाँ पे पुल के ऊपर भाई, यहाँ से देखो एकदम से भाई यहाँ पे लोगों ने अपने निक्कर वगैरह भी तो सुखा रहे हैं यार, बस यही नहा रहे हैं यही सुखा रहे हैं। और यहाँ पे देखो मस्त लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे ना एकदम से पुल पे खड्डे हो रखे हैं, ये देखो भाई पुल भी गजब है यार, देखो यहाँ पे एकदम से फ़ोन में जब भी आप यहाँ पे आओ ना फ़ोन का तो यूज ही मत करना कहीं एकदम से पैर घुस जाए इसके अंदर। बाकी ये देखो यार भाई नीचे बाकी आओ गाइस अपने निकलते हैं आगे की साइड में, पुल चेक करो भाई पबजी पुल है पूरा, क्या मज़ा आ रहा है आनंद आ रहा है। बाकी मम्मी ना देख के नीचे के साइड में यहाँ पे खड्डे हो रखे हैं पुल पे देख रहे हो, ये देखो आओ आओ लिटरली पूरा हिलना है यार पूरा, और बाकी इसमें जो बीच बीच में खड्डे हो रखे ये तो ऑर्डर पा रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है नीचे पैर नहीं घुस जाए यार, देखो बड़ा खड्डा है पुल के ऊपर ही है। मम्मी यहाँ से आओ तो आराम से आना, पुल के नीचे खड्डे हो रखे हैं ये सनरूफ है सनरूफ ये सनरूफ कोई नहीं यार गाइस यार क्रेजी। हाँ 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 वही तो कितनी पूरी पब्लिक भाई, क्योंकि लोग आए थे ना बहुत बहुत दूर से, हम तो फिर भी यार ना रुद्रपुर से आए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बहुत बहुत दूर से, जैसे कि दिल्ली से आते हैं नोएडा वगैरह बहुत बहुत दूर से आते हैं, फिर लोग मतलब आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन तो फिर कर नहीं पाते फिर यहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं आगे। यार अब चलते हैं नीचे की साइड में मस्त नहाऊंगा भाई, मेरे को तो नहाने में खुले ऐसे पानी में बड़ा मजा आता है। बाकी निकलते नीचे दम से खाई हो रखी है एकदम से यार और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं यार, मम्मी ज्यादा उधर मत जाओ, मम्मी खाई हो रखी है वो इधर देखो एकदम से, ज्यादा उस साइड मत आओ।
बाइक तो मैंने बड़ी दूर खड़ी की है वो उस साइड में यार गाइस यार, और हम कितनी दूर पैदल पैदल चलते हुए आ गए, मम्मा पीछे आ रहे हैं, मजा तो फुल आ रहा है गाइस यार, कुछ भी कहो यार, इन वादियों में टकरा गए हैं इनसे मुसाफिर भाई। यहाँ तो मैं नहा लूँ तो ठीक है, मम्मा ने गाइस इजाज़त दे दिया, मैं तो जा रहा भाई बीचों बीच में डूब के नहाऊंगा भाई, फुल मज़ा आएगा। और ये देखो एलिफेंट, एलिफेंट को आप कह रहे थे ना एलिफेंट दिखा देना, तो ये देखो ये रहा एलिफेंट, अब कुछ लोग इसे गाय बोलेंगे। एंड फिलहाल में यहाँ पे ना कोई गाने वगैरह भी बजा रहा है, अब जा रहा है इसमें नहाने के लिए कूदने के लिए भाई, हू लाला मचा दूंगा जाके कूद के। तो गाइस अब मैं तो जा रहा हूँ नहाने के लिए। Hey, so run with me, गाइस पहाड़ों की चोटी पे बैठ के खाना खाने में जो मजा है बहुत मजा, मैं कहीं भी जाए खाना लेके जाते गाइस, आप भी कहीं भी जाओ तो खाना लेके एंजॉय करो। अराउंड में 3 घंटे ना आया था उसके अंदर, बाकी मम्मा ना कुछ पूड़ी वगैरह बना के लेके आए थे खाने के लिए, वो अब मस्त जल्दी से। अब इस जगह को करते हैं अलविदा, बाकी बात करें इस जगह की तो ये है अपनी रामनगर में, और रामनगर गिरजा देवी मंदिर से मतलब थोड़े से पीछे को ही है, वहाँ तो मंदिर तो बनता, तो यहाँ पे आके पुल वगैरह से आप पहचान लेना। अगर आप में से कोई भी आप ब्लॉग मेरा देखना देख रहे हो और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो बस आप मेरे को एक बारी मैसेज करना, मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा। और खर्चे की बात करें तो यार इतना कमाता वमाता नहीं हूँ, आधा आपका होगा आधा मेरा होगा, बाकी मस्त आपको यहाँ पे घुमाऊंगा, और जगह बहुत प्यारी है यार। यहाँ से देखने में पानी ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बड़ा गंदा सा पानी होगा, मिट्टी कलर का जो होता नहीं है वैसा पानी लग रहा है, बट यार ना भाई पानी बहुत ही साफ हो रखा है, बिल्कुल साफ हो रखा है। बाइक भी अपनों ने निकाल ली है एंड फिलहाल में मम्मा लोग आ रहे हैं पीछे। सभी हम लोग जा ही रहते आते वक्त तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था ऊंट वगैरह दिखाई दिए थे, बट एलिफेंट नहीं दिखाई दिया था, तो ये चेक करो ये रहा एलिफेंट भाई, कितना मस्त लग रहा है यार, कितना बड़ा होता, फर्स्ट टाइम देखा मैंने, मैंने वैसे पहले कभी नहीं देखा, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई साहब। उसके ऊपर मतलब वो भी कुछ रख रखा है इन्होंने बैठने उठने का यार, कुछ भी कहो नाइस है यार, मज़ा आ गया यार गाइस। भाई जस्ट अभी पहुंचा हूँ घर पे एंड फिलहाल में यार ना बहुत ही ज़्यादा थक गया, और बाकी यार 3 लोग थे ना गाड़ी पे तो बहुत यार मतलब 3 लोगों की स्प्लेंडर पे जगह बनती नहीं है, तो मेरे को टंकी पे चढ़ के बैठना पड़ रहा था इसलिए आप बहुत मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भर, एंजॉय बोलते हैं क्या मजा आ रहा हो। बाकी यहाँ पे ना कोई बूफर वगैरह भी लेके आया, गाने बज रहे हैं बड़ी तेजी के, बट यार वो अभी देखो ध्यान से सुनो,